5,000 वर्षों से आज भी जीवित हैं माँ अवतार बाबा। आपको विश्वास नहीं होगा जानकर कि इस धरती पर कुछ बहुत पुराने काल से आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। ये बिल्कुल अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तो है ही, पर एकदम सत्य और प्रमाणित है। श्री सिद्ध महावतार बाबा जी को, जो कि 5,000 से 6,000 वर्ष से आज भी जीवित हैं। महावतार बाबा जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नामक पुस्तक से एक चित्र, जिसे योगानंद जी ने स्वयं ही बाबा जी से हुई भेंट के स्मरण के आधार पर बनाया था, जिसने जब भी उनको देखा एक ही उम्र बताई। लाहड़ी मसे ने बताया था कि उनकी शिष्य मंडली में 2 अमेरिकी शिष्य भी थे। वे अपने पूरी शिष्य मंडली के साथ कहीं भी कभी भी पहुंच जाया करते थे। महावतार बाबा जी की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुचिना से 13 किलोमीटर दूरी पर दुनागिरी में स्थित है। जन्म का नाम नागराजन, जन्म समय 30 नवंबर 203 ईसा, परांगी पट्टे तमिलनाडु भारत, गुरु शिक्षक बोगर। इस भारतीय संत को लाहिड़ी मासे और उनके अनेक चेलों ने महावतार बाबा जी का नाम दिया। इन बेटों में से कुछ का वर्णन परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा 1946 में किया है। इसमें योगानंद की महावतार बाबा जी के साथ स्वयं की भेंट का प्रत्यक्ष वर्णन भी शामिल है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हिमालय में रहते हुए बाबा जी ने सदियों से आध्यात्मिक लोगों का मार्गदर्शन किया है। बाबा जी सिद्ध है जो साधारण मनुष्य की सीमाओं को तोड़कर समस्त मानव मात्र के आध्यात्मिक विकास के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। बाबा जी ने ही आदि शंकराचार्य और संत कबीर को दीक्षा दी थी। जब स्वामी योगानंद उनसे मिले थे, तब वो सिर्फ उनको 19 साल के नजर आ रहे थे। योगानंद महाराज ने किसी से मदद से उनका एक चित्र भी बनवाया था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो समय समय पर अथवा काल दर काल महावतार बाबा जी से मिलते रहते हैं। आदि शंकराचार्य, संत श्यामाचरण लाहिड़ी और संत कबीर को दीक्षा देने वाले महान महावतार बाबा के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि वो वाकई एक दिव्य शक्ति है। और आज भी बाबा जी दुनियादारी से दूर रहकर योग साधकों को इस तरह सहायता करते हैं कि कई बार साधकों को उनके बारे में मालूम तक नहीं रहता। परमहंस योगानंद ने बताया कि सन 1861 में लाहिड़ी मासे को क्रिया योग की दीक्षा देने वाले बाबा जी ही है। बाद में लाहिड़ी मासे ने अनेक साधकों को क्रिया योग की दीक्षा दी। लगभग 30 वर्ष बाद उन्होंने योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी को दीक्षा दी। योगानंद ने 10 वर्ष अपने गुरु के साथ बिताए, जिसके बाद वह स्वयं बाबा जी ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें क्रिया योग के इस दिव्य ज्ञान को पाश्चात्य देशों में ले जाने का निर्देश दिया। बाबा जी को नागराज नाम दिया था, जिसका अर्थ सर्प का राजा है, जिसका अर्थ कुंडलिनी, हमारी महान दिव्य क्षमता, शक्ति और चेतना। उनका जन्म नवंबर 203 ईसा के 30वें दिन हुआ था, एक छोटे से तटीय गांव में, जिसे आज तमिलनाडु भारत में पारंगी पट्टाई के नाम से जाना जाता है, जहां कावेरी नदी हिंद महासागर में फैलती है। इनका जन्म रोहिणी के तारे के नक्षत्र में हुआ था, जिसके अंतर्गत कृष्ण भी पैदा हुए थे। कार्तिकेय के तमिल महीने के दौरान कार्तिकेय दीपम, रोशनी का उत्सव, चंद्रमा के तमाम महीनों के नतीजे आने से पहले रात का जन्म हुआ था। उनके माता पिता नंदूबरी ब्राह्मण थे, जिन्होंने दक्षिण भारत के पश्चिम तट पर मालाबार तट से वहां आकर प्रवास किया था। इनके पिता इस गांव में शिव मंदिर के पुजारी थे, जो आज मुरुग को समर्पित एक मंदिर है, शिव के पुत्र। बाबा जी बुद्धिमत्ता के हद से परे हैं, वे शब्दों और विचारों से भी परे हैं। वे हर किसी प्रकार के आध्यात्मिक विचारों और अनुभवों से भी परे हैं। कोई भी रूप व चित्र जो कि उनकी अभिव्यक्ति करता है, क्या उनको दर्शाता है, उनके विशाल व्यक्तित्व के आगे बौना साबित होता है। वे निराकार व कायाहीन है, परंतु वे वैसे ही काया उड़ लेते हैं जैसे छवि आपके मन में होती है। जब कभी भी उन्हें कोई संदेश देना होता है, तो वे वैसे ही काया अपना लेते हैं जिससे आपको इस बात का आभास हो जाए कि आप किससे बात कर रहे हैं। जब भी जरूरी हो, निराकार गुरु अपनी मर्जी से काया अपना लेते हैं। यदि संदेश के साथ उपयुक्त काया का समावेश न हो, मनुष्य के मन में जो काया का लोभी है, संतुष्ट कर पाना उतना ही कठिन होता है। वही दूसरी ओर यदि संदेश पाने वाले के लिए संदेश बिल्कुल सटीक हो, तो भी उसे नकार दिया जाता है।
यह कहकर कि उसकी उत्पत्ति संदेह के घेरे में है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए बाबा जी आकार लेते हैं ताकि संदेश पाने वालों के लिए आसानी हो जाए और उनकी समझ में भी आ जाए। मुझे स्वयं ये सच्चाई बहुत ही सहज तरीके से समझ में आ गई। ऐसे महावतार बाबा के बारे में कुछ भी बोलने की मेरी योग्यता है या नहीं, मैं नहीं जानती। मेरे अपने अनुभव यदि किसी को अध्यात्म के मार्ग पर ले जाने में मदद करेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इन शक्तिशाली सर्वभूत गुरु के बारे में लोगों को परमहंस योगानंद द्वारा लिखी अद्भुत उत्कृष्ट एवं एक साहित्यिक उपलब्धि योगी की आत्मकथा के माध्यम से जानकारी मिली है। मुझे भी इसी पुस्तक के माध्यम से बाबा जी के बारे में जीवन में पहली बार पता चला था। मैंने बहुत वर्ष पहले 1990 के मध्य में ये पुस्तक पढ़ी थी। हिमालय ने मुझे मुग्ध कर दिया। हिमालय जाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरी हिमालय की यह पहली यात्रा थी। 28 दिसंबर 2015 से 10 जनवरी 2016 तक मैंने हिमालय की गोद में बिताया। ये मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण था। हिमालय ने मुझे मुग्ध कर दिया था। हिमालय जाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाई। हिमालय दर्शन किया, हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन, गंगा जी में डुबकी लगाना, ये सभी निसंदेह विशुद्ध थे। वशिष्ठ गुफा में ध्यान लगाना और सच्चे साधुओं के साथ लंबे समय तक बात करना, जिनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए था, बहुत ही ताजगी भरा अनुभव था। मेरा हिमालय में बिना किसी शर्त के मिला प्यार ताजगी भरा था। उसने मुझे उम्मीद की नई किरण जगाई। एक नया उद्देश्य उसने मेरे अंदर आध्यात्म की अलख जगाई। इस अनुभव ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया जिसके मैं उस समय परिकल्पना भी नहीं कर सकती थी। विलक्षणता और ताकत का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, शिव का रास्ता। बाबा जी का वास बद्रीनाथ मंदिर के पास ही था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास होता है कि बाबा जी हर जगह उपस्थित होते हैं। वो केवल बद्री के पास ही नहीं रहते। मुझे ऐसा आभास करा दी है कि मैं अब बाबा जी से मिली थी। मुझे पूरा यकीन नहीं है, पर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? आदि शंकराचार्य, संत श्यामाचरण लाहिड़ी और संत कबीर को शिक्षा देने वाले महान महावतार बाबा के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि वो वाकई एक दिव्य शक्ति है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली आध्यात्मिक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी के लेखक परमहंस योगानंद ने इस किताब में महावतार बाबा के बारे में लिखा है। परमहंस योगानंद के गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी थे। उन्होंने लाहिड़ी को क्रिया योग की दीक्षा दी थी, जिसके बारे में गीता में भगवान कृष्ण और योग सूत्र में ऋषि पतंजलि ने बताया है। महावतार बाबा को श्यामाचरण लाहिड़ी ने अपने पूर्व जन्म का गुरु माना था। श्यामाचरण लाहिड़ी को पर्वतीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान महावतार बाबा जी दिखाई दिए थे। उन्होंने ही क्रिया योग का मार्ग रस्तों को दिखाने का आदेश दिया था। महावतार बाबा ने लाहिड़ी मासे को बताया था कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया योग का ज्ञान ही क्रिया योग है। एक दिन लाहिड़ी रेल की पटरी बिछवा रहे थे, तभी उन्हें किसी के पुकारने की आवाज आई। जब उस आवाज के पीछे गए तो उन्हें महावतार बाबा के दर्शन हुए थे। बाबा जी से लाहिड़ी मासे की प्रथम मुलाकात द्रोणागिरी पर्वत पर 1861 में हुई। महावतार बाबा ने लाहिड़ी मासे से कहा था कि उनकी पिछले जन्म की साधना अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने प्रमाण के तौर पर उन्हें अपने पिछले जन्म का आसन, चटाई और अन्य सामान भी दिखाए थे। लाहिड़ी मासे की ड्यूटी रानीखेत में लगी थी। उस दौरान वो वहां चले गए पहाड़ियों में, जहां उनकी गुफा है। परमहंस योगानंद ने भी अपनी किताब में बाबा के साथ अपने प्रत्यक्ष भेंट के बारे में बताया है। श्री युक्तेश्वर गिरि की पुस्तक द होली साइंस में भी उनका प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। बाबा ने किसी को भी अपना नाम या पृष्ठभूमि नहीं बताई, इसलिए उन्हें महावतार का नाम दिया गया। उन्हें 1861 से 1935 के दौरान कई गवाह द्वारा देखा। लाहिड़ी ने अपनी डायरी में लिखा था कि महावतार बाबा जी भगवान कृष्ण के अवतार थे। जो भी उनसे जब भी मिला उसने हमेशा ही उनकी उम्र 25 से 30 वर्ष की बताई। उनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में कुछ भी किस्से प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने पहाड़ से कूदकर जान देने वाले एक शिष्य को शतवीक्षत शव को छूकर दोबारा जीवित कर दिया था।
बाबा जी अप्रकट और गुप्त रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी भक्तों को और शिष्यों को उनके दर्शन भी होते हैं। बाबा जी का क्रिया योग ईश्वर बोध, यथार्थ ज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। प्राचीन सिद्ध परंपरा के 18 सिद्धों की शिक्षा का संश्लेषण कर भारत के एक महान विभूति बाबा जी ने इस प्रणाली को पुनर्जीवित किया है। दोस्तों, आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबा के, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।